नमस्कार यूथ कॉर्नर में आपका स्वागत है। मैं शिव कुमार प्रजापति। ताजा तरीन खबरों के लिए लगातार देखते रहें यूथ कॉर्नर। खबर आ रही है जनपद गाजीपुर से। यह दृश्य है नगर पंचायत दिलदार नगर वार्ड नंबर 1 और 5 की, जो कि यह मार्ग स्टेशन को सीधे जोड़ता है, जहां इस रूट से प्रतिदिन हजारों की संख्या में क्षेत्र के लोग ट्रेन पकड़ने के लिए यात्रीगण रेलवे स्टेशन जाते हैं। साथ ही साथ सैकड़ों की संख्या में व्यापारिक प्रतिष्ठान भी जाते हैं, जिनके आगे नगर पंचायत की नालियां का गंदा पानी पूरी सड़क पर फैल गया है। लोग गंदे पानी से गुजर रहे हैं, साथ ही साथ व्यापारियों का व्यापार ठप पड़ गया है। गौरतलब हो कि इसी मार्ग पर प्ले स्कूल, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, कोचिंग संस्थान भी हैं, जहाँ पर नन्हे मुन्ने बच्चे, छात्र एवं छात्राएँ प्रतिदिन गंदे पानी से होकर गुजरते हैं। इस संदर्भ में उद्योग व्यापार मंडल के तहसील प्रभारी एवं दिलदार नगर के महामंत्री दिनेश अकेला वार्ड, इस वार्ड के व्यापारी कौशल जायसवाल, हरेंद्र प्रजापति, पारसनाथ जायसवाल, सुभाष चंद्र प्रजापति, ओम प्रकाश खरवार ने बताया कि इस संदर्भ में नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी मनोज पांडे एवं नगर अध्यक्ष अविनाश जायसवाल को अवगत कराया गया, लेकिन अवगत कराने के बावजूद भी सफाई व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया गया, जिसमें आम जनता के साथ ही साथ व्यापारियों में काफी आक्रोश व्याप्त है। व्यापारियों ने कहा कि यदि अविलंब इस पर सफाई व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया गया तो हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए बात दोंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी नगर पंचायत की होगी। गाजीपुर से नसीम खान की रिपोर्ट।